आपको परमेश्वर ने जांच के भी बनाया है, आपको परमेश्वर ने जांच के भी बनाया है। जैसे आप बोलेंगे फिर वो वैसा आपके लिए हो जाएगा। परमेश्वर ने आपको राज्य दिया है, परमेश्वर ने आपको जांच का बना ठहराया है, परमेश्वर ने आपको जांच का ठहराया है। आज मैं आपसे कहता हूं, आप एक बात समझिए, आप कौन हैं? परमेश्वर के पुत्र, परमेश्वर के पुत्र हैं, परमेश्वर के पुत्र हैं, परमेश्वर के पुत्र हैं। आज आपको यह समझना है कि आप परमेश्वर के पुत्र हैं। तो आज आपको ये जानना है, अगर आप नहीं बने तो आप बनना है परमेश्वर के पुत्र, और आपको बनना है जाजक, और आपको जानना है कि आप क्या हैं, राजा। हालेलुया, आप राजा हैं। हालेलुया। लुका 1:35 पर यीशु मसीह जी परमेश्वर यहोवा के पुत्र हैं। लुका 1:35 स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। हालेलुया, परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। तो परमेश्वर मसीह कौन है? परमेश्वर मसीह कौन है? जीवते परमेश्वर के जीवते पुत्र। हालेलुया, परमेश्वर मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं। अगर आप ये विश्वास नहीं करते कि परमेश्वर मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं, तो अनंत जीवन आपका नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि परमेश्वर मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं। हालेलुया, परमेश्वर मसीह परमेश्वर के पुत्र के साथ साथ वो महाजाजक बने। महाजाजक, जाजक क्या होते थे? आपको पता है पुराने में जब आप पढ़ते हैं, जाजक होते थे, और जाजकों के ऊपर कौन होता था? एक महाजाजक होता था। वो क्या करते थे? लोगों के पापों की क्षमा के लिए परमेश्वर से विनती करते थे, परमेश्वर को बलिदान चढ़ाते थे। यानी के जाजक जो होते थे वो मध्यस्थ होते थे, बिचवाई होते थे, मध्यस्थ होते थे। जाजक जो होते थे वो प्रार्थना करते थे, परमेश्वर पिता इसे आशीष दो, और परमेश्वर कहते थे इसको बोल ऐसा करना है, और वो परमेश्वर उससे क्या करते थे? परमेश्वर से विनती करते थे, परमेश्वर से आशीष दे, मध्यस्थ की प्रार्थना। इसके जाजकीय प्रार्थना कहते हैं। जैसे मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं, हे परमेश्वर इन लोगों पे दया कर, हे परमेश्वर इनके लिए अपने स्वर को खोल दीजिए। ये क्या है? जाजकीय प्रार्थना, एक जाजक की प्रार्थना, जाजकीय प्रार्थना है। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र, पहली बात। दूसरा, वो महाजाजक। इब्रानियों 4:14 इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है, ऐसा बड़ा महाजाजक है जो स्वर्गों से होकर गया है, जो स्वर्गों से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र, परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। प्रभु यीशु मसीह कौन है? महाजाजक। इब्रानियों आप जब पढ़ेंगे पूरा लिखा हुआ है, पर यीशु मसीह क्या है? महाजाजक है। उसने सब मनुष्यों के पापों के लिए क्या किया? अपना लहू का बलिदान दे दिया। वो महाजाजक, महाजाजक साल में एक बार लहू लेकर जाता था बकरे शत्रे का, लेकिन पर यीशु मसीह अपने ही लहू लेकर एक बार में गए और सब काम को पूरा कर दिया। हालेलुया। और जो प्रभु यीशु मसीह ने एक प्रार्थना की है, महाजाज की प्रार्थना जो वचन में लिखी हुई है, यूहन्ना 17:17 में लिखा है महाजाज की प्रार्थना। वहां पर प्रभु यीशु मसीह ये नहीं कह रहे थे मुझे 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 नहीं कह रहे थे, पर वो कह रहे थे हे पिता, हे स्वर्गीय पिता, इन्हें ब्लेस करना है, इन्हें आशीष देना है, ये आप में बने रहे, शैतान इन्हें छू ना सके, ऐसे जो भी प्रार्थना, पूरी प्रार्थना। ठीक है, हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह क्या है? जल्दी से बोलते जाइएगा, महाजाजक। हालेलुया, हालेलुया। तीसरा, प्रभु यीशु मसीह क्या है? राजाओं के राजा है। वचन में लिखा है वो क्या है?
राजा है, पर विषम क्या है? राजा है। प्रकाशित वाक्य है 17:14। प्रकाशित वाक्य है 17:14। क्योंकि वे प्रभुओं का प्रभु, वह प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है, राजाओं का राजा है। पर विषम मसीह क्या है? राजाओं का राजा है। पर विषम मसीह क्या है? राजाओं का राजा है। हालेलुया। इसलिए वो परमेश्वर पुत्र थे, वो महाजाजक थे और राजा भी थे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब उपदेश 8:4। सब उपदेश 8:4। क्योंकि राजा के वचन में तो सामर्थ रहती है, राजा के वचन में सामर्थ रहती है, और कौन उससे कह सकता है कि तू क्या करता है? कौन उसे कह सकता तू ये क्या कर रहा है? ऐसे मत कर। राजा के वचन में क्या होती है? सामर्थ होती है। हालेलुया। राजा के वचन में शक्ति होती है, राजा के वचन में सामर्थ होती है। अब आप इस बात को ऐसे समझिएगा, पर विश्वासी परमेश्वर का पुत्र स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर आए। पर विश्वासी जी महाजाजक बने और रात भर वो क्या करते थे? क्या करते थे? प्रार्थना करते थे। क्या करते थे? पर विश्वासी प्रार्थना करते थे, जाज की प्रार्थना करते थे, महाजाज की प्रार्थना करते थे। हालेलुया। और सुबह सुबह क्या करते थे? राजा बन जाते थे। हालेलुया। सुबह राजा के दिन क्या करते थे? क्या लिखा है? राजा के वचन में क्या होती है? सामर्थ होती है। और सुबह राजा की तरह कहते थे, कोई लके वे किसी को लकवा मान लो था, क्या कहते थे? चल उठ, चार पे उठा और घर जा। राजा के मुंह में सामर्थ होती है, वो राजा के वचन में सामर्थ होती है। वो बोलते थे और वो उठ खड़े होते थे। अंधे से कहते थे तो क्या चाहता है? उसने कहा आंखें चल देखने लग। राजा के नाम बोलते थे। हालेलुया। और उनके राजा के वचन में सामर्थ है, आंखें खोलते थे। गूंगे को लेकर आए, पर विश्व जी ने राजा की तरह ऑर्डर दिया, चल बोलने लग, और बोलने लग गया। चार दिन का मरा हुआ था लाजर, पर विश्व जी ने आज्ञा दी, लाजर चल बाहर निकल। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने ही दुष्टात्मा को क्या करते थे? निकल दुष्टात्मा, चल निकल, छोड़े से आज्ञा देते थे। क्या देते थे? आज्ञा देते थे, राजा की तरह। और राजा के वचन में सामर्थ्य रहती है, राजा बोल देता और वो हो जाता। हालेलुया। आप जरा सोचिएगा कि वो रात को क्या बन जाते थे? एक जाजक की तरह, महाजाज की तरह क्या करते थे? प्रार्थना 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 करते थे। और फिर राजा की तरह ऑर्डर देते थे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप मुझे तो ध्यान नहीं है, आप जरा सोचिएगा और फिर मुझे बता दिए। अंधा आया पर विश्व मसीह के पास, आप विश्व जी ने कहा हे स्वर्गीय पिता दया करो इस अंधे की आंखें खुल जाएं। और फिर उसकी आंखें खुली। कहां लिखा? कहां लिखा? क्या लिखा? नहीं लिखा। क्या पर विश्व जी ने कहा हे पिता इस अंधे की आंखें खुल जाएं, हे पिता ये गूंगा बोलने लग जाए, हे पिता ये दुष्ट आत्मा निकल जाए, हे पिता ये लंगड़ा चलने लग जाए, हे पिता मेरी प्रार्थना को सुन और ये बीमार को चंगा कर दे। पर विश्व मसीह ने कभी ऐसे प्रार्थना की नहीं की, क्योंकि वो राजा की तरह क्या देते थे? आज्ञा देते थे। कहीं पर भी आप देख लीजिएगा, मुझे तो नहीं मिला, आप ढूंढ लीजिएगा। पर विश्व जी ने कहा हो कि हे पिता यहोवा पिता स्वर्गीय पिता इस पे दया कर दीजिए,
इसको चंगा कर दे, ये लकवा है इसको 38 सालों से, हे स्वर्गीय पिता इसे चंगा कर दे। परमेश्वर जी ने नहीं कहा, राजा कितने आज्ञा देते थे, चलो चार पे उठा और चल घर जा। हालेलुया। कोड़ियों को कहते थे जा जाकर चेक करवा, रिपोर्ट करवा ले जज के पास जाकर। हालेलुया। लेकिन रात को वो क्या करते थे, महाजाजक बनकर प्रार्थना करते थे। हालेलुया। रबा शिदा बाबा रासा, परमेश्वर का पुत्र होने के बावजूद भी उन्होंने अपने आप को शून्य कर लिया, इस धरती पर आ गए और जाज की तरह प्रार्थना करते थे। हालेलुया। 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 परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर आपसे यही चाहते हैं कि आप ये बात जान जाएं कि आप परमेश्वर के पुत्र हैं, आप परमेश्वर के पुत्र हैं, आप यहोवा परमेश्वर के पुत्र हैं, आप स्वर्गीय परमेश्वर के पुत्र हैं, जैसे यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। आप परमेश्वर के पुत्र हैं और आप जाज का हैं, आप जाज का वही हैं और आप राजा हैं। हालेलुया। 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 और आज लोग क्या चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि राजा की तरह हम आज्ञा तो दें लेकिन जाजक की तरह प्रार्थना नहीं करना चाहते, जाजक की तरह अपने लोगों के लिए प्रार्थना नहीं करना चाहते, जाजक की तरह अपने मोहल्ले के लोगों के लिए, जाजक की तरह अपने चर्च के लोगों के लिए प्रार्थना नहीं करना चाहते हैं और कहते हैं राजा की तरह आज्ञा दें, चल उठ। देखो प्रभु यीशु मसीह के चेले, पतरस को देखिएगा, और किसी ने उसके आगे हाथ कर दिया, जो जन्म से 40 साल का था लगभग, क्या था वो, जन्म से लंगड़ा था, उसने हाथ कर दिया। पतरस ने कहा सोना चांदी तो मेरे पास नहीं है, जो मेरे पास वो देता हूं, चल प्रभु यीशु मसीह के नाम से उठ। हालेलुया। और वो उछलने लग गया। पतरस ने ये नहीं कहा हे परमेश्वर इसको क्या कर दे, चंगा कर दे, क्योंकि वो जज के प्रार्थना करते हैं, जज की तरह प्रार्थना करते थे लोगों के लिए और फिर आज्ञा देते थे, चल उठ परमेश्वर मसीह के नाम से। हालेलुया। हालेलुया। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप पहले तो ये जान जाए कि आप परमेश्वर के पुत्र हैं, अगर आप परमेश्वर के पुत्र नहीं है तो आज बन जाएं। हालेलुया। और राजा तो बनना चाहते हैं क्योंकि राजा के मुंह में सामर्थ होती है, ऐसा हो जाए और वैसा होता है, क्योंकि राजा के मुंह में सामर्थ होती है, राजा के वचनों में सामर्थ होती है, लेकिन साथ ही जाजक बनना है। जाजक के बिना राजा कोई नहीं, जाजक के बिना राजा कोई नहीं। अगर आपके अपने गांव के लोगों के प्रति आपके मन में हमदर्दी नहीं है, अगर आपके चर्च के लोगों के प्रति जो आप एक दूसरे को जानते पहचानते हो उनके प्रति आपके मन में प्रेम नहीं है कि परमेश्वर उन लोगों पे दया करो, परमेश्वर उन लोगों पे दया करो, वो बहन बेचारी आती पाता नहीं कौन से गांव से आती है, उसे मैंने देखा तो था उसकी कोई समस्या थी, हे परमेश्वर उस पर दया करो, ठीक है। तो अगर आप जाजकीय प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर चाहते भी हैं तो आप उस राजा की तरह आज्ञा भी दे सकते हैं। हालेलुया। अगर आप जाजकीय प्रार्थना करते हैं तो इसका मतलब आपका हृदय परमेश्वर मसीह जैसा है, परमेश्वर मसीह जैसा है। आप चर्च में आने वाले लोगों के लिए, जो चर्च में आते हैं संडे को, जो एतवार को आए हैं, जो लाइव प्रार्थनाओं को देखते हैं सुनते हैं, आप अंदर से, आप चाहे उनके उन्हें नहीं जानते फिर भी आप प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आज एतवार के दिन जितने भी लोग आए थे जो कुछ वो चाहते थे उनके लिए पूरा हो जाए, उनमें से दुष्ट आत्मा निकले, हे परमेश्वर उनमें से दुष्ट आत्मा निकले, हे परमेश्वर उन पर दया कर दिए, हे परमेश्वर वो लोग चंगे हो जाए। आप जाजक बनकर प्रार्थना कीजिए। हालेलुया। हालेलुया। और परमेश्वर फिर आपको राजा बनाते हैं।
हालेलुया, हालेलुया। देखिए वचन कहता है कि हम क्या हैं, परमेश्वर के पुत्र हैं। यूहन्ना एक अध्याय, यूहन्ना एक अध्याय 12 और 13 वचन। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, जितनों ने परमेश्वर मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। और उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, परमेश्वर के संतान, परमेश्वर के पुत्र, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, अर्थात वो लोग जो परमेश्वर मसीह के नाम पर विश्वास रखते हैं वो परमेश्वर के पुत्र हैं। वे ने तो लहू से, वो लहू से नहीं जन्मे, ना शरीर की इच्छा से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं, वो परमेश्वर से उत्पन्न हुए। हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर से उत्पन्न हुए, इसलिए आप कौन है, परमेश्वर के, परमेश्वर के, परमेश्वर के, आप कौन है, आप कौन है। जितने लोग परमेश्वर मसीह पर विश्वास करते हैं वो कौन है, परमेश्वर के पुत्र। वो कौन है, परमेश्वर के पुत्र। आप कह सकते हैं मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। हाँ कोई नहीं, बेटियां पुत्र भी कह सकती हैं, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ये चाहते हैं, ये भी एक सिद्धांत है, परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र बो दिया, बीज बो दिया, भेज दिया संसार में, और इकलौता पुत्र भेजा और करोड़ों लाखों करोड़ों पुत्र ले लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप परमेश्वर के पुत्र हैं, आप परमेश्वर के, अगर नहीं है तो आज कहें प्रभु यीशु मसीह मेरा उद्धारकर्ता है, मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं कि वो स्वर्ग छोड़कर इस धरती पे आया, मेरे लिए सूली पे चढ़ा, मार दिया गया, दफना दिया गया और तीसरे दिन जिंदा हो गया, वो जीवित है, वो जीवित है। आमीन। तो अगर आप प्रार्थना विश्वास करते प्रभु यीशु मसीह पे, तो आप क्या हैं, परमेश्वर के पुत्र हैं, आप परमेश्वर के पुत्र हैं। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के पुत्र हैं तो फिर आपको जज के भी बनना है, आपको जज के बनना है। हालेलुया। प्रकाश वाक्य पढ़िएगा, 1 अध्याय 6 वचन, प्रकाश वाक्य 1 अध्याय और 6 वचन। और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। हाँ, हमें एक राज्य बनाया है, हम राजा हैं और याजक भी हैं, हम राजा भी हैं और याजक भी हैं, हम राजा भी हैं और याजक भी हैं, हम राजा भी हैं और 5 अध्याय भी पढ़िएगा, प्रकाश वाक्य 5 अध्याय 9 और 10 वचन, 5 अध्याय 9 और 10 वचन। वे ये नया गीत गाने लगे, तू इस पुस्तक के लेने और उसकी मोहरे खोलने की योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है, और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया। हालेलुया। परमेश्वर मसीह ने क्रूस के बलिदान के द्वारा लहू से मोल लेकर हम लोगों को क्या बनाया, राज्य, जन के राजा बनाया और याजक भी बनाया है। पहला पत्रस 2:9 वचन। इसलिए आज आपको यह समझना है कि आपको परमेश्वर के पुत्र हैं, और मैं विश्वास करता हूं आप इस बात को जानते हैं, लेकिन आपको याजक भी बनना है और फिर राजा, फिर राजा। बस आपको जानना है, परमेश्वर ने तो आपको बनाया है, आपको जानना है। हालेलुया, हालेलुया। आपको जानना है कि आप क्या हैं, ताकि आप फिर बीमारियों को क्या दे सकें, आज्ञा दे सकें, बीमारी निकल। हम क्या करते हैं, हम यही तो करते हैं,
हम बस यही कहते हैं सारी गांठें परमेश्वर मसीह के नाम से निकल जाएं, यही तो कहते हैं। हम पूरा दिन उसके लिए प्रार्थना थोड़ा करते रहते हैं कि इनकी गांठें निकल जाएं, गांठें निकल जाएं, गांठें निकल जाएं। बस आगे देते हैं परमेश्वर मसीह के नाम से कि परमेश्वर मसीह के नाम से गांठें बाहर निकलें। मैं एक आपके लिए प्रार्थना करता हूं प्यारे परमेश्वर पिता, जितने लोग लाइव हैं चाहे हमारे बीच में हैं, अगर किसी के भी कोई भी गांठ है, पांव से लेकर सिर तक कहीं भी गांठ है, पर यीशु मसीह के नाम से आगे देता हूं सारी गांठों इन्हें छोड़ो, बाहर निकल जाओ। सारी गांठें पर यीशु मसीह के नाम से बाहर निकल जाएं, सारी पत्थरियां पर यीशु मसीह के नाम से बाहर निकल जाएं। पर यीशु मसीह तुम्हें चंगा करते हैं, पर यीशु मसीह तुम्हें चंगा करते हैं, हालेलुया। तो परमेश्वर ये चाहते हैं कि आप ये बात समझ जाएं कि आप राजा हैं, आपके वचन में सामर्थ्य है, आप किसी के लिए बोलेंगे तो परमेश्वर मसीह उस बात को सुनेंगे और उसके लिए पूरा करेंगे। आप किसी की बीमारी को आज्ञा देंगे तो वह बीमारी बाहर निकलेगी। आप अपने घर में, अपने जीवन में, अपने परिवार में भी छोटी छोटी बातों के लिए फिर मुझे फोन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चर्च में फोन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद आज्ञा देंगे बीमारी परमेश्वर मसीह के नाम से बाहर निकल, बाहर निकलेगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर ने, आप परमेश्वर के संतान हैं, परमेश्वर के पुत्र हैं, परमेश्वर ने आपको राज्य भी दिया है और जज को भी बनाया है। हालेलुया। पहला पत्र दो अध्याय नौ वचन कहता है, पहला पत्र दो अध्याय और नौ वचन, तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी, तुम एक चुना हुआ वंश हो, राजपदधारी, हाँ, याजकों का समाज, याजकों का समाज हो, और पवित्र लोग, पवित्र लोग हो, और परमेश्वर की निज प्रजा हो, परमेश्वर की निज प्रजा हो। आप राजा भी हो और जज भी हो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के परिवार के हो क्योंकि परमेश्वर का पुत्र हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कमी कहां पर है, कमी कहां पर है? आप अपने आप को पहचान नहीं पा रहे कि हम कौन हैं। आपको समझना है आप परमेश्वर के पुत्र हैं, निकम्मे नहीं हैं। आप परमेश्वर के पुत्र हैं। आप क्या हैं? परमेश्वर के, आप परमेश्वर के पुत्र हैं। आप निकम्मे नहीं हैं। आप ये बात समझनी है कि आप राजा हैं, परमेश्वर ने बनाया है। बाइबल कहती है, मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा, जो लिखा वो पढ़ रहा हूं। आपको परमेश्वर ने राज्य दिया है, लेकिन याद ये रखना है कि आपको परमेश्वर ने याजक भी बनाया है। 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 आपको परमेश्वर ने जाज के भी बनाया है। तो आपके अंदर जो मन है वो कौन सा होना चाहिए? कौन सा मन? जाज को वाला मन होना चाहिए। अगर आपका मन जाज किए नहीं है, अगर आपकी प्रार्थना जाज किए नहीं है, तो इसका मतलब आप आत्मा के द्वारा चलाए नहीं चल रहे। अगर आत्मा के द्वारा चलाए नहीं चल रहे, तो फिर आप परमेश्वर के पुत्र भी नहीं हैं। लिखा हुआ है रोमियो आठ अध्याय, रोमियो आठ अध्याय और चौदह वचन, रोमियो आठ अध्याय चौदह वचन पढ़िएगा। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के द्वारे चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। जितने लोग कैसे चलते हैं? आत्मा जाने के पवित्र आत्मा। जितने लोग आत्मा के द्वारा चलाए चलते हैं, वे ही परमेश्वर के, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं जो आत्मा के द्वारा चलते हैं। जो शरीर के द्वारा चलते हैं वो परमेश्वर के पुत्र नहीं है, जो शरीर के द्वारा चलते हैं। क्योंकि जो शरीर के द्वारा चलेगा वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, जो आत्मा के द्वारा चलेगा वो सबका सोचता है। हालेलुया।
तो आज से आपकी प्रार्थना जाजक की प्रार्थना हो, जाजक की इतना प्रार्थना हो। आप जिसको भी जानते पहचानते उनके लिए आप प्रार्थना करें, वो आपको फल दे ना दे, लेकिन आप राजा बन जाएंगे, आप परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे, फिर आप आज्ञा देंगे, और जब आप आज्ञा देंगे तो वो आपके लिए जैसे आप बोलेंगे वैसे वो आपके लिए हो जाएगा, जैसे आप बोलेंगे फिर वो वैसे आपके लिए हो जाएगा। परमेश्वर ने आपको राज्य दिया है, परमेश्वर ने आपको जज बना ठहराया है, परमेश्वर ने आपको जज ठहराया है, परमेश्वर ने आपको जज ठहराया है, परमेश्वर ने आपको राज्य दिया है, परमेश्वर ने आपको जज ठहराया है। आप परमेश्वर के पुत्र हैं जो आत्मा के द्वारा चलते हैं, जो आत्मा के द्वारा चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र हैं, वही परमेश्वर के पुत्र हैं। आपकी प्रार्थना जाजकी हो, हे परमेश्वर अपने लोगों पे दया कर, ऐसी प्रार्थना करें परमेश्वर उस पे दया कर, लोगों के ऊपर कोई दुख ना हो, लोगों के ऊपर कोई पीड़ा ना हो, लोगों के ऊपर कोई संकट ना हो, लोगों के ऊपर कोई परेशानी ना हो, ऐसी प्रार्थना, तो फिर आप जाजक हैं। इसका मतलब आप आत्मा के द्वारा चल रहे हैं, इसका मतलब आप परमेश्वर के पुत्र हैं। हालेलुया, हालेलुया। और फिर लिखा है अगर आप परमेश्वर के पुत्र हैं तो फिर वारस भी हैं, वारस भी हैं, वारस भी हैं। और ये बहुत बड़ी बात एक लिखी है, वारस भी हैं लेकिन मसीह के संगी वारस, मसीह के संगी वारस, मतलब कि एक हिस्सा पर विश्व मसीह का, एक हिस्सा विश्व परमदीप का। हालेलुया। मान लो युवा परमेश्वर कुछ बांट रहे हैं, युवा परमेश्वर कुछ बांट रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, मान लो किसी चीज को दो हिस्से में बांटना है स्वर्गीय परमेश्वर ने, तो वो क्या करेंगे, एक हिस्सा पर विश्व मसीह का और दूसरा हिस्सा बराबर बराबर हिस्सा, दूसरा हिस्सा विश्व परमदीप का। हालेलुया। वहां लिखा है मसीह के संगी वारस हो, आपकी बात हो रही है, एक हिस्सा पर विश्व मसीह का और एक हिस्सा आपका। हालेलुया। जितना पर विश्व मसीह का उतना ही आपका। हालेलुया, 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 हालेलुया। और रब्बा शदा बाबा रसा दबल लबा हिंदी बिरी रिखा बाबा रसा दबर नमा हिंदी बिरी रिपी शिदी बिरी निमा थाला बाबा रसा दबर रबा। अब जाज की प्रार्थना करें कि परमेश्वर सच के लोगों के ऊपर कोई भी अंधकार की तात काम ना करे, कोई भी दुष्ट आत्मा की तात काम ना करे, कोई भी शैतान की तात काम ना करे, शैतान के बंधन टूटे, अंधकार के बंधन टूटे। हालेलुया, हालेलुया। और फिर आप राजा की तरह आज्ञा देंगे, फिर आप राजा की तरह आज्ञा देंगे, मेरे घर से नशा बाहर निकल पर विश्व मसीह के नाम से। हमें एक नाम दिया गया है, वो है पर विश्व मसीह, उसका तो नाम हमें लेना ही है। हालेलुया, हालेलुया। फिर आप बीमारी से कहेंगे ए बीमारी पर विश्व मसीह के नाम से बाहर निकल, और बाहर निकलेगी। हालेलुया। आपको यह कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि पास्टर जी मेरी उंगली दर्द होती है प्रार्थना करो, फिर आप ही आज्ञा देंगे। हालेलुया। और आप आज्ञा देंगे और चंगाई मिलेगी। क्या बनना है, राजा सारे बनना चाहते हैं, क्योंकि राजा के मुंह में क्या निकलती है, सामर्थ्य निकलती है। आज मैं आपसे कहता हूं आप एक बात समझिए, आप कौन हैं, परमेश्वर के पुत्र, परमेश्वर के, इस साइड से ज्यादा आवाज आती है, परमेश्वर के, परमेश्वर के पुत्र हैं, परमेश्वर के पुत्र हैं, परमेश्वर के पुत्र हैं। लेकिन इतना नहीं, आप राजा भी हैं, राजा भी हैं। बाइबल कहती है, मैं नहीं कह रहा, परमेश्वर का वचन कहता, आप राजा भी हैं, आप राजा हैं, आप राजा हैं, परमेश्वर ने आपको राज्य दिया है, परमेश्वर ने आपको राज्य दिया है, आप राजा हैं, आप आज्ञा दें। हालेलुया। आप बीमारियों को डांटें, यह बीमारी निकल। कहीं भी आप पढ़िएगा बाइबल में, वहां यह नहीं कहा गया कि
वो हाथ जोड़कर कह रहे हैं, हे परमेश्वर मसीह जी, ये भूत निकाल दीजिए, परमेश्वर मसीह जी ये भूत निकाल दीजिए, परमेश्वर मसीह जी ये भूत निकाल दीजिए। चेले ऐसे कह रहे थे, नहीं कहा, उन्होंने आज्ञा दी। हालेलुया, उन्होंने आज्ञा दी, क्या निकल दुष्ट आत्मा, परमेश्वर मसीह के नाम से निकली। ये अधिकार आपको दिया है, आप परमेश्वर के पुत्र हैं, आप परमेश्वर के पुत्र हैं। चाहे आपको एक दिन हुआ चर्च में आते हुए, चाहे आपको 10 साल हो गए हैं, आप परमेश्वर के पुत्र हैं। अगर आप परमेश्वर के पुत्र हैं तो आप वारस भी हैं, लेकिन आपका मन जज का होना चाहिए, आपकी प्रार्थनाएं जज की होनी चाहिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो कौन कौन है परमेश्वर का पुत्र, कौन कौन है परमेश्वर का पुत्र, कौन कौन है? हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर का पुत्र कौन है? और राजा कौन कौन है? किस किस को राज्य मिला है? परमेश्वर ने राज्य दिया है। हालेलुया, कि सिर्फ मुझे दिया, कि मुझे दिया सिर्फ, हम के कल्ला मुझे दिया है, मुझे राजा बनाया है। आप भी हैं, लेकिन याद रखें आप क्या हैं, आप क्या हैं? जाजक भी है, जाजक की तरह आपकी प्रार्थना होनी चाहिए, जाजक की तरह आपकी प्रार्थना होनी चाहिए, आपके मन में होना चाहिए, हे परमेश्वर हमारे पास्टर जी पे, पापा जी पे, बिशप जी पे, जो भी आप कहते हैं, दया करें, उसके परिवार पे दया करें, उसके पुत्रों पे दया करें, उसकी बेटी पे दया करें, उनके बाल बच्चों पे दया करें, उनकी पत्नी पे दया करें। आपके अंदर से जांच के प्रार्थना निकले, आपके अंदर से निकले, परमेश्वर जो अगली लाइन में मेरे साथ बैठे थे ना, वो सब ब्लेस हूं। अगली बार मैंने गवाहियां सुननी है जो मेरी लाइन में थे, मेरे मोहल्ले से जो लोग गए थे उनकी गवाहियां मैंने सुननी है। परमेश्वर पिता, परमेश्वर का पुत्र होने के बावजूद भी लिखा है, आंसू बहा बहाकर परमेश्वर मसीह क्या करते थे? सर सर रात प्रार्थना करते थे। आपका यह हृदय होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। एक बार कोई बात चल रही थी, पढ़ूंगा नहीं, समय हो रहा है, तो चेले कहते, हे परमेश्वर मसीह जी, ये तो ऐसे 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 हैं वो लोग, तो क्या स्वर्ग से आज्ञा दें कि स्वर्ग से आग गिरे और उन्हें भस्म कर डाले? परमेश्वर जी ने कहा, वो इतनी कहा मान लो, परमेश्वर जी ने कहा, अरे तुम में कौन सी आत्मा है, तुम भस्म करने में लगे हुए हो, तुम में कौन सी आत्मा है? क्योंकि जो आत्मा के चलाए चलते वही परमेश्वर के पुत्र है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर आप में परमेश्वर की आत्मा है तो बाइबल कहती है आप में मसीह का मन है, लिखा हुआ है, मन है। आपके अंदर कौन सा मन है? मसीह का मन है। अगर आपके अंदर मसीह का मन है तो आपको प्रार्थना करनी अपने मोहल्ले के लिए, अपने गांव के लिए। मैं कहता हूं सबके लिए चल आप नहीं भी कर पाते, आप उनके लिए तो करो जो कम से कम चर्च में आते हैं। चल सभी चर्च वालों के लिए नहीं भी कर पाते जो दूसरी चर्चों में जाते हैं, कम से कम जो चमत्कार चर्च में आते हैं उनके लिए तो करो, सबके लिए करो, लेकिन उनके लिए तो करो। अपनी पदवी को संभाल लें, अपनी पोजीशन को समझें, आप बहुत बड़ी हस्ती हो, आप मामूली लोग नहीं हो, आप आम लोग नहीं हो, आप खास लोग हो, आप खास लोग हो, आप जूनियर लोग हो, आप जूनियर लोग हो। आपकी प्रार्थना से स्वर्ग खुलता है, स्वर्ग खुलता है। आप रहते तो धरती पर हो, लिखा है जो कुछ तुम धरती पर रहते हो खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा, वो स्वर्ग में खुलेगा। जब आप आशीष को खोलते हो तो स्वर्ग से आशीष खुलती है, स्वर्ग से आशीष खुलती है। जो कुछ आप धरती पर बंद होगी वो स्वर्ग में बंधेगा, वो स्वर्ग में बंधेगा। जब आप श्रापों को बांध देते हो तो बंद जाते हैं, देते तो बंद जाते हैं आपके कहने से, आपके कहने से। मैं एक व्यक्ति को जानता हूं, उसका नाम नहीं लूंगा, वो बेचारा बहुत अच्छा लड़का, उसकी मां जब घर में नहीं होती थी ना तो रसोई में रसोई को जिंदरा लगा देती थी, जिंदरा ताला समझते ना, रसोई को ताला लगाकर चली जाती थी। किस लिए?
कि उसका लड़का जवान बेटा, किसका जवान बेटा कहीं रसोई का ताला नहीं लगाया तो कहीं खोलकर रसोई के अंदर से चीनी ना खा ले, खांडी ना खा ले। मतलब कई ऐसे भी हैं को अपने पुत्र के लिए रसोई का गेट भी जो है उसको भी ताला लगाते हैं, उसको भी नहीं खोलना चाहते। लेकिन परमेश्वर ने आपको चाबी दे दी है। 16 अध्याय में लिखा है मती में कि मैं तुम्हें स्वर्ग की चाबियां देता हूं, कुंजियां देता हूं, जो भी तुमने खोलना है खोलो, जो लेना है लो, जो खोलना है खोलो। हालेलुया, हालेलुया। और लोग लेते हैं, आप लेते भी हो, आप पाते भी हो, निश्चय आपको मिलता भी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हो रबाशा दबर अलबा। आप याद रखें, आप परमेश्वर के पुत्र हैं, आप परमेश्वर की पुत्रियां हैं, परमेश्वर की धीया हैं, परमेश्वर के पुत्र हो, परमेश्वर के संतान हो, परमेश्वर के परिवार के हो, आप चुने हुए लोग हो। आप आपके आप ऐसे मान चल रहे हैं कई बार और ऐसे अंगूठा ऐसे लगता है पैर में और मुंह से निकलता है आए वो तक नहीं। तो आप जब ऐसे छुट्टा लगता ना आपको आए, तो ये आवाज आपकी नहीं, परमेश्वर अपने मुंह से कहते हाय जब आपके लगती है। आप परमेश्वर के विशेष लोग हो, आप चुने हुए लोग हो, आप स्वर्गीय स्थानों पर बैठाए गए हो, आपके अंदर मसीह का मन है। लेकिन आज मैं आपसे कहता हूं अपनी पोजीशन को समझो। आप परमेश्वर के पुत्र हैं, आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, आप परमेश्वर ने आपको जज का बनाया है और राज्य भी, राज्य की आज्ञा दो, राज्य की आज्ञा दो। लोग कहते थे प्रभु यीशु मसीह अधिकार के साथ कैसे बोलता है बीमारियों को निकल, बीमारी निकल। प्रभु यीशु मसीह ऐसे प्रार्थना नहीं करते थे बीमारी हे परमेश्वर बीमारी को निकाल दे, परमेश्वर बीमारी को निकाल दे, परमेश्वर बीमारी को निकाल दे। पूरी बाइबल में पढ़ लीजिएगा, कहीं हो तो मुझे भी बताइएगा। परमेश्वर जी कहते थे राजे की तरह निकल बीमारी निकल। हालेलुया। छोड़े से कहते थे और छोड़ते थे, वो आप हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। ना तो बल से ना शक्ति से मेरे आत्मा के द्वारा हो रहा भाषी दबारा 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 लबारा लबारा लबारा। बस थोड़ी सी देर मेरे साथ प्रार्थना कीजिए फिर हम पूरा कर रहे हैं। बीमारियां निकल रही हैं, आप प्रार्थना करना शुरू कर दें, धन्यवाद करना शुरू कर दें। आपकी बीमारियां निकल रही हैं, आपके रोग निकल रहे हैं, पर यीशु मसीह आपको चंगा कर रहे हैं। सारे बंधन टूट रहे हैं, सारे बंधन टूट रहे हैं, अंधकार के बंधन टूट रहे हैं, शैतान के बंधन टूट रहे हैं, जादूटोने के बंधन टूट रहे हैं, जादूटोने के बंधन टूट रहे हैं, शैतान के बंधन टूट रहे हैं, बीमारियां निकल रही हैं। परमेश्वर आपको राज्य दे रहे हैं, परमेश्वर आपको राजा बना रहे हैं, परमेश्वर आपको राज्य दे रहे हैं। सब शैतान की ताकतें नष्ट हो रही हैं, अंधकार की ताकतें नष्ट होती हैं। प्रभु यीशु मसीह आपको चंगा कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दे रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह आपको छुटकारा दे रहे हैं, हर एक नशे से छुटकारा, हर एक लड़ाई झगड़े से छुटकारा। प्रभु यीशु मसीह आपको ब्लेस करते हैं, प्रभु यीशु मसीह की आशीषें आप पर आ रही हैं, प्रभु यीशु मसीह की आशीषें आप पर आती हैं, प्रभु यीशु मसीह की आशीषें आप पर आती हैं, प्रभु यीशु मसीह की आशीषें आप पर आती हैं, प्रभु यीशु मसीह की आशीषें आप पर आती हैं, प्रभु यीशु मसीह की आशीषें आप पर आती हैं। ओ रब बाबा रशद बाला बाला लबा हिंदी बिरी नि मथुर खबर सिद बाला बारे रबा हिंदी बिरी रे बिशद बाला बारे रबा रे दबर लबा ओ रब बाबा रशद बारे लबा हिंदी बिरी रे बिशद बाला बाला लबा। हुरीबा हे पिता, आज से हम जाज की प्रार्थना करेंगे, आज से हम जाज की तरह प्रार्थना करेंगे, आज से हम जाज की प्रार्थना करेंगे। होली बाला रशद बाला लबा, लोग जो नाश हो रहे हैं वो बचाए जाए। आपका धन्यवाद करते हैं विश्व जी, आपने सबको चंगा किया है, आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी पवित्र आत्मा और पवित्र आत्मा सामर्थ्य का धन्यवाद आदर महिमा आपको देते हुए उद्धारकर्ता विश्व जी के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आमीन।